कैसे जाओगे या नहीं जाओगे ऐसे? हाँ। यार मतलब ये क्या बात होती है यार, यार ठीक है बता दिया, लेकिन ये कौन सा तरीका हो रहा है चढ़ने को हो रहे हो यार तुम तो? भाई यही तरीका है भाई। भाई ये कोई तरीका नहीं होता यार, ये इन जैसे को देखो बिल्कुल गुटका मुंह में चल रहा है, बिल्कुल एकदम गाड़ी आ रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे की तरफ ही है, कोई ठोक के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये सबसे पहले हायाबूसा लेके निकलते हुए ये फुल मेहनत चल रही है, ये चल तोड़ जोर लगा के हाइसा, ये हाइसा 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 जोर लगा के हाइसा, और ये रेस हो गई हम दोनों में। देख लो भाई मैं तो गया, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ मैं हार गया मैं। और ये भाई साहब हाथ दे रहे हैं, यहीं जा रहा हूँ। अरे अरे अंकल जी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है आज भाई? दूसरा इंसिडेंट, अभी तो वो बिल्कुल ही एकदम बच से गए, कसम से हुड़क से गए थे। अरे भैया यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल कहाँ पे है? ड्राइविंग स्कूल नहीं मालूम, भाई पूछ पूछ के थक गया यार। मतलब अभिमन्यु से बात तो हो गई है लेकिन फिर भी एक बार ना पूछता हूँ कि यहाँ पे नियर बाय में और कोई भी है क्या। अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल कहाँ पे है? अरे बताया तो था आपको, तुम बता तो दिया, अरे बताया तो नहीं पता थोड़ी है, आप तो बार बार अपनी शूट कर रहे हैं। अरे यार क्लियर नहीं हुआ था इस वजह से मैं आया, कोई मिल नहीं रहा यहाँ पे भाई, हमें नहीं पता भाई, हम तो जाने भी स्कूल रोड पे, आप हमसे पूछ जा रहे हो, हम नहीं आए वैसे भी। अरे यार तो इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है यार, कोई गलती कर दी है क्या मैंने? हम भी अपना वीडियो शूट उट कर रहे हैं यार, तो क्या हो गया इसमें भड़कने वाली कोई बात है? हमें नहीं पता भाई, भाई हमें नहीं पता, हमसे पूछो भाई। यार तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो यार, मैं तो प्यार से ही बात कर रहा हूँ। यार मैं तुम वीडियो शूट कर रहे हो कर लो, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है बात करने का यार। तो ठीक है लेकिन कोई अगर हेल्प मांग रहा बंदा तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना। अरे भाई मैंने बस पूछा ही तो था तुमसे, यार मतलब ये क्या बात होती है यार, यार ठीक है बता दिया, लेकिन ये कौन सा तरीका हो रहा है चढ़ने को हो रहे हो यार तुम तो? भाई यही तरीका है भाई, भाई ये कोई तरीका नहीं होता यार। अरे यार भाई बस पूछा ही तो था यार, तुम तो चढ़ गए यार मारने के लिए, मारना मारना है क्या मेरे को? हमको बता दिया आपको, मारना है क्या मेरे को? भाई मारने वाली बात नहीं है, मारने वाली बात नहीं है भाई, बाइक से तो ऐसे उतर गया जैसे कि अभी मारोगे, मारना नहीं है, मारना नहीं है बस। हां बस चले जाओ, बस आप चले जाओ, आप खामा का एक मूड उड़ में खराब करो। चलो यार ठीक है कोई नहीं, डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। हां ठीक है ठीक है, मैं ऐसे ही भाई कैसे कैसे लोग हैं यार, कसम से कैसे कैसे लोग हैं भाई। देखा मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये लड़ जाते हैं ना आज के डेट में। ये उनसे मैंने पूछा दूसरी बार में, मैं पूछा कि यार ड्राइविंग स्कूल कहाँ पे है एग्जैक्ट, मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें वो भड़क गए कि पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया हो एकदम से ही, और बस लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे लोग ना यार हेल्पफुल कम लड़ाकू ज़्यादा दिखते हैं, तो खैर कोई नहीं होता है ज़िंदगी में ना, ऐसे लोग मिलते रहेंगे और हमारा एंटरटेनमेंट होता रहेगा, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन सीरियसली यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हो गया है आज की पब्लिक को, मतलब हेल्प भी इस तरीके से करती है जैसे कि मतलब एहसान कर रहे हैं वो लोग। और ठीक है मानते हैं कि हाँ भाई वो तुम्हारा नहीं है, मतलब मानते हैं तुम्हारे वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं है कि हाँ तुम मतलब हमें बताओ, लेकिन यार ये भी कोई तरीका नहीं होता।
इनको ही नहीं, ऐसे उतरा था बंदा भाई साहब, ऐसे उतरा बंदा कि जैसे कि अभी मार ही देगा। तो ये चीज़ गलत है। जैसे देखो मतलब उन लड़कियों से मैंने बात करी, लड़कियों से बात किया, उनसे मैं हेल्प मांगा, हालांकि लड़कियां सबसे ज़्यादा चिढ़ती हैं, लेकिन वो ना चिढ़के लड़के चिढ़ गए कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं होता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था मुझे अभी, कमेंट करके बताओ मेरे को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था मुझे अभी। और जैसे कि मैंने कहा था भाई यहाँ पे आज ना काफ़ी ज़्यादा वो होने वाला है भीड़, तो वो चीज़ हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल पहले सबसे पहले मैं घर जाऊँ यार, घर जाना है सबसे पहले मुझे। तो चलो चलते हैं, थोड़ा तेज़ी दिखाते हैं। और बाइक का हैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी लग रही है मुझे ना, इसको दिखवाना होगा यार, चेंज करवाना होगा, क्योंकि हैंडल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक सही से बाइक जो है चलेगी नहीं। और अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब इस लेफ़्ट साइड में ना बिल्कुल डाउन हो चुका है वो, तो इसको भी ठीक कराना है। अभी जाके मैं सबसे पहले इसी को ठीक करवाता हूँ। एक्सेसरीज़ वगैरह सब कुछ आ चुका है, बस इसमें हाथ लगाना बाकी है। तो अभी जाके हाथ लगवाते हैं, छोटे भाई को ही बोलूँगा भाई कर, क्योंकि वो सारे एक्सेसरीज़ वगैरह ख़रीद के लेकर आया है। तो अब वो कह रहा है कि मैं ही फ़िक्स करूँगा, तो अभी वही फ़िक्स करेगा सारी चीज़ें। तो भाई आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके क्या था ये और क्यों था ये। ठीक है भाई, हो जाता है, भड़क जाते हैं, लेकिन इतना भी क्या कि मतलब गाड़ी से ही उतरना स्टार्ट हो गए तुम तो। भाई आज पता चला कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लड़ जाते हैं लोग, उनसे बचना चाहिए हमेशा। ये इन जैसे को देखो, बिल्कुल गुटका मुंह में चल रहा है, बिल्कुल एकदम गाड़ी आ रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे की तरफ ही है, कोई ठोक के चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये सबसे पहले हायाबूसा लेके निकलते हुए ये फुल मेहनत चल रही है। ये चल तोड़ जोर लगा के हाइसा, ये हाइसा 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 जोर लगा के हाइसा। और ये रेस हो गई हम दोनों में, देख लो भाई। मैं तो गया, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया, मैं हार गया भाई, सीरियसली यार कसम से। दे मतलब डर नाम की चीज़ ही नहीं है भाई इन लोगों में, एक नंबर के अव्वल दर्जे के चू। इसके आगे मैं बोलूँगा नहीं कि पहले तो वो रेड लाइट के पार्क क्रॉस कर गया, आगे की तरफ चला गया, उसके बाद फिर जैसे वो रेड लाइट ख़त्म हुआ एकदम से तेज़ी में, जैसे कि ऐसा लग रहा था हायाबूसा चला रहे हैं वो, और बस निकलना स्टार्ट। अबे भाई आराम से भी चलाओगे तब भी रोड क्रॉस हो जाएगा, और पीछे रहोगे दो कदम तब भी रोड क्रॉस हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आती है लोगों को, लेकिन नहीं, उनको तो बनना है हीरो, तो हीरो के चक्कर में भाई बन जाते हैं। और ये भाई साहब हाथ दे रहे हैं, मैं यहीं जा रहा हूँ। हाँ मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, तो अंदर जाना है या तुम्हें सीधा जाना है? छतरपुर जा रहा हूँ। तो छतरपुर में कहाँ उधर? मैं नेपसराय नहीं जा रहा, मैं ये जो सैनिक फॉर्म गेट नंबर 2 है ना, उधर से लेफ्ट ले रहा हूँ मैं। अंदर जाओगे छतरपुर, पीछे नहीं? नहीं छतरपुर नहीं जा रहा मैं, अंदर ही जा रहा हूँ मैं सैनिक फॉर्म में। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट। अरे अरे अंकल जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है आज भाई? दूसरा इंसिडेंट, अभी तो वो बिल्कुल ही एकदम बच से गए, कसम से हुड़क से गए थे। अरे भैया भाई क्या हो गया सद्दाम, क्या हो गया तेरे को बेटा, कुछ चाहिए? देख दाख ले बेचारे, मतलब अभी तो अंकल को उड़ा देता काम का, वो तो सहम से गया, दिल धक धक करने लगा उनका, बिल्कुल साइड में रोक लिया जाके उन्होंने। कोई नहीं होता है, चलो भाई आज का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, रोड लड़ाई, पहले फाइट, उसके बाद फिर ठुका गाड़ी, लाइसेंस के लिए गया था पता करने, वो बंदा ही नहीं है दिल्ली में, और अब ये साइकिल वाले अंकल, क्या क्या हो रहा है यार, सीरियसली क्या क्या हो रहा है मेरे साथ।